हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं वाइट सॉस पास्ता, जो कि बहुत ही डिलीशियस होता है। तो आज हम इस वीडियो में बनाएंगे वाइट सॉस पास्ता। तो यहाँ पे मैंने लिया है पैनी पास्ता, मिल्क एंड सॉल्ट, ऑरिगेनो, गार्लिक पेस्ट, रेड चिली फ्लेक्स, ऑयल, बटर, स्वीट कॉर्न, मैदा एंड कैप्सिकम एंड एक ही विस्कर। इसकी जो क्वांटिटी है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने लिया एक पैन, इसमें मैंने डाला है पास्ता। अब मैंने ऐड करा है वाटर, अब हम इसको बॉईल कर लेंगे। साथ के साथ इसमें डाला है सॉल्ट एंड रिफाइंड ऑयल। हमारा पास्ता बॉईल हो रहा है, इतनी देर में अपनी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया एक पैन, इसमें डालती हूँ रिफाइंड ऑयल, थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे गार्लिक पेस्ट, ये हमने गार्लिक पेस्ट डाल दिया इसमें। इसको थोड़ा सा चलाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, डोंट वरी अगर आपका ये लग जाता है तो। एंड इसमें हम डालेंगे कैप्सिकम, स्वीट कॉर्न, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे इसको। तो ये हमारे ये फ्राई हो गए, अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे बटर, ये पूरा बटर मैंने इसमें ऐड कर दिया है, थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अपनी मैदा, मैदा डालने के बाद इसको चलाएंगे हम, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड करेंगे और विस्कर से हम इसको अच्छे से बेट करेंगे, ताकि जो ये लम्स हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। डोंट वरी अगर आपका ये लम्स अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं, आप धीरे धीरे करें, हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड कर लिया मैंने इसमें। आप घबराइए बिल्कुल नहीं कि अगर आपके ये लम्स पड़ जा रहे हैं और मिल नहीं रहे, मिक्स नहीं हो पा रहे, तो अगर आप बीट भी नहीं कर पा रहे, तब भी नहीं हो रहे, तो आप इसको इस पेस्ट को निकाल के ग्राइंड भी कर सकते हैं, देन वापस से इसमें कर लीजिए, एक ही बात है। तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, अच्छे से मिला रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें लम्स धीरे धीरे ख़त्म हो गए सारे। तो ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। अगर आपको गाढ़ा लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा मिल्क और ऐड कर सकते हैं। अच्छे से हमारा ये सॉस पास्ता की बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑरिगेनो, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो गया हमारा वाइट सॉस पास्ता का। अब इसमें हम अपनी वेजिटेबल डाल देंगे, मैंने ये दो वेजिटेबल इसमें डाल लिए। अगर आप और भी कुछ पसंद करते हैं, अनियन भी डाल सकते हैं, मैंने इसमें अनियन नहीं डाली क्योंकि मुझे नहीं पसंद है। अब इसमें हम डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स, मिक्स कर लेंगे हम इसको। इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि हमने बॉईल करते हुए पास्ते में भी डाला था। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हमारा पास्ता जो बॉईल हो गया था हम इसमें डाल देंगे। ये पास्ता हमने सारा इसमें डाल लिया है, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो पास्ता का सॉस है वो इसमें अच्छे से मिल जाए। तो हमारा ये जो वाइट सॉस पास्ता है बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड पास्ता ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपका पास्ता डिलीशियस बना है या नहीं।